नौकरी सीरीज का यह 16वां अंक है। एक छात्र ने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरने की फीस जो है वो 100 रुपए है और रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा का की जो फीस है वो 500 रुपए है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जब चेक किया तो उसकी बात सही निकली कि आईएएस बनने के इम्तहान की फीस 100 रुपए है और रेलवे में चौथी श्रेणी की नौकरी के फॉर्म भरने की फीस 500 रुपए है। ये सवाल किससे किया जाए और जवाब कौन देगा मुझे नहीं पता, लेकिन 40 रुपए ग्रुप डी का फॉर्म की जो फीस थी वो 40 रुपए से 500 रुपए करते वक्त रेलवे का कोई अधिकारी यूपीएससी की फीस के 100 रुपए होने का तर्क ही मालूम कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। वैसे जिनके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है वे हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में छात्र अभी भी उम्मीद में हैं कि शायद रेलवे अपनी परीक्षा की शर्तों को बदल दे और उनकी सुन ले। उन्हें भरोसा है कि सरकार कुछ करेगी। दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती 2016 में निकली थी, 2018 आ गया मगर प्रक्रिया का कहीं अता पता नहीं। आवेदन करने वाले नौजवानों ने अपना धीरज खो दिया है, इतना मैसेज भेजा है कि तंग कर दिया इन लोगों ने। अपनी जिंदगी के बर्बाद हो जाने का इंतजार करते करते या अब ये लोग टीवी पर हिंदू मुस्लिम या ऐसी घटनाओं की फालतू रिपोर्टिंग देख रहे थे जो ध्यान भटकाने के लिए पैदा की जाती हैं आजकल। दिल्ली पुलिस को भी साफ साफ बता देना चाहिए कि कब तक ये 2016 की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी और इन्हें नौकरी मिलेगी। नौकरी सीरीज की नजर से आप राज्यों या सरकारों को देखेंगे तो नौजवानों को मानसिक यातना मेंटल टॉर्चर देने का एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नेशनल फैक्ट्री आपको नजर आएगी। कोई सरकार अपने ही नौजवानों को इस हद तक तनाव दे सकती है, यह निर्भर करता है कि उन युवाओं की अपनी राजनीतिक गुणवत्ता क्या है, उनके भीतर लोकतांत्रिक चेतना किस स्तर की है। कई जगहों पर युवाओं को यह बात समझ में आ गई। कुछ दिन पहले हजारीबाग में इसी हफ्ते बड़ी संख्या में छात्रों ने रैली निकली। रांची, गुमला, दुमका, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी के अलावा कई शहरों में ये रैली निकली। बताते हैं कि 20,000 छात्र निकले थे। इनका मसला था कि राज्य में सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इम्तहान सही समय पर नहीं होते हैं, टीचर है नहीं। ये बात सही है, हमने भी यूनिवर्सिटी सीरीज में दिखाई थी। हजारीबाग के सेंट कोलंबिया कॉलेज में पर्याप्त टीचर नहीं। एक छात्रा ने लिखा है कि वो जब पढ़ती थी तो अंग्रेजी विभाग में 3 टीचर थे और 3 साल की छात्राओं को मिलाकर 5,000 छात्राएं थी वहां पर। बताइए 5,000 स्टूडेंट्स पर 3 टीचर, ये नौजवानों को बर्बाद करने का नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है तो ये फिर क्या है? इस तरह की रैली दूसरे राज्यों में भी हुई है मगर सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान जमा हुए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबको भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम टॉपिक देंगे तो ये नौजवान उधर हरहरा के दौड़े चले आएंगे, अपना तख्ती फेंक देंगे। इन नौजवानों को दो काम करने चाहिए। ये वीडियो छात्रों ने ही भेजे हैं, ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से आयोजित नहीं था क्योंकि इसमें कोई नारा बैनर उनका दिखा नहीं। आप जानते हैं कि नौकरी सीरीज की शुरुआत में हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली सेंटर वाला इसकी परीक्षाओं पर काफी जोर दिया। चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि फरवरी के अंत तक सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगस्त 2017 से मेरिट लिस्ट में आकर करीब 20,000 छात्र ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सीरीज के बाद कुछ को लेटर मिला है पोस्टल डिपार्टमेंट में, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में, मगर बहुतों को अभी तक पता नहीं चल पा रहा। फरवरी 28 आने वाली है, मतलब अभी तो गुजरने वाली है। पोस्टल विभाग के कुछ सर्किल से काडर वितरण की सूची आई थी तो छात्र खुश हो गए, हमने भी असर के रूप में आपको बता दिया। मगर महाराष्ट्र सर्किल से छात्र लिख रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2015 की परीक्षा पास करने के बाद भी उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, कोई सूचना नहीं मिल रही। वो महाराष्ट्र सर्किल में फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का प्रयास करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। जबकि 350 से अधिक छात्र जानना चाहते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, अगस्त से परीक्षा पास करके बैठे हैं, ये बताइए। अभी इसमें भी कौन नीरव मोदी तो कसूरवार नहीं है। इसी तरह सीएचएसएल 2015 में सांख्यिकी मंत्रालय में कुल 56 रिक्तियां निकली थी, इनके बारे में भी हमने प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज में दिखाया था। अब अगस्त 2017 में इनके परिणाम आ गए, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। हमने नौकरी सीरीज का पहला एपिसोड इसी पर किया था। सीजीएल 2016 ये एक दूसरा रिजल्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय में कुछ 666 रिक्तियां निकली थी। अब खबर आ रही है कि इनसे काडर के चुनाव के मांगे जा रहे हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की साइट पर अपॉइंटमेंट से पहले की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना जारी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मगर इतना धीमा क्यों है? क्या इस पे 10-12 मंत्री समय निकाल कर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे कि हम नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं? कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा?
एक दिन यूं ही 15 लड़के हमारे दफ्तर बाहर भटकते हुए सुशील महापात्रा सहयोगी से टकरा गए। इस तरह से संख्या में लोग हमारे दफ्तर पहुंच रहे हैं। बताइए, ये सभी मध्य प्रदेश डाक परिमंडल की परीक्षा पास कर चुके हैं। 26 जून 2016 को लिखित परीक्षा हुई थी, 21 सितंबर 2016 को अंतिम परिणाम भी आ गया। रिजल्ट के बाद सागर और उज्जैन डिवीजन के कई छात्रों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ये गए, लेकिन दूसरे मंडल के छात्रों को कुछ नहीं मिला। उज्जैन और सागर मंडल के छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिला था, लेकिन उनके मंडल में पीछे से एक लेटर पहुंचता है कि अगले आदेश तक कोई कार्रवाई ना हो, यानी ज्वाइनिंग ना हो। 19 मार्च 2017 को आदेश आता है कि अपने दस्तावेजों की जांच कराइए, टाइपिंग की परीक्षा दीजिए, जबकि मूल विज्ञापन में नहीं था। अपॉइंटमेंट लेटर देके आप कह रहे हैं कि दस्तावेज की जांच कराइए और टाइपिंग का इम्तिहान दीजिए। बताइए, अब उस परीक्षा को एक साल हो गया, कुछ अता पता नहीं। 26 जून से 20 फरवरी 2018 आ गया, जब ये छात्र पूछते हैं कि कोई कुछ नहीं बताता, इनको 2374 छात्र यहां से वहां भटक रहे हैं। कभी दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है, कभी जबलपुर भेज दिया जाता है। जिस बच्चे की जोन से जोन में है ना ड्यूटी है, वो बच्चा उस जोन में जाता है। गरीब घर से हैं सब, सर किसान है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने कोचिंग ली है सर। क्वालिफाई पहले पेपर इन्होंने अच्छी तरह क्वालिफाई किया, सेकंड पेपर का कोई प्रावधान नहीं था। सेकंड पेपर का प्रावधान न होते हुए भी बच्चों ने सेकंड पेपर दिया, उसमें भी सभी बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया और अच्छी तरह क्वालिफाई किया। हम ये सोचकर NDTV आए हैं, हम अखबार वालों के पास भी गए, लेकिन हमारी किसी ने भी नहीं सुनी, ना हमारी खबर को किसी ने छापा। वहाँ हम कई बार अखबार वालों को लेके गए, लेकिन हमारा किसी ने सुनवाई नहीं की। लेकिन हमको जब पता चला कि रविश सर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम यहाँ इसलिए यहाँ रविश सर के पास में काफ़ी दूर से सभी लोग आए हैं और ये उम्मीद लेके आए हैं कि हमको जॉइनिंग मिले। सर मेल भी हमारे पास है, हमारे फोन में। हाँ सर, रिप्लाई है। हाँ हमारे पास रिप्लाई भी, उन्होंने रिप्लाई में भी यही लिखा सर, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। हम उनसे पर्सनली भी जाके मिले सर, वो पर्सनली हमसे मिलते नहीं सर। इसका इन्वेस्टिगेशन है, यही तो नहीं कह रहे सर, कुछ भी नहीं कह रहे, यही कहते हुए अंडर इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है सर। उन्हें ये भी दर्द महसूस नहीं, अब करीब 2 साल में कितने चक्कर भोपाल के लगा चुके, वहाँ बाहर बैठे रेत मट्टी में बैठ के धरना भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं, कुछ कोई सुनवाई नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है कि क्या करना है, क्या होना है, कुछ नहीं कह रहे हैं। इन्हीं में से राहुल और नितेश भोपाल में भटकते हुए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी से टकरा गए। 1.5 साल हो गए रिजल्ट निकले, मगर कोई बता नहीं रहा कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी। आवेदक कभी भोपाल कभी इंदौर के चक्कर लगाते रहते हैं। इनके नाम डाक विभाग मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर भी हैं। राहुल के पिता नहीं हैं, नितेश कम देख पाता है। जाहिर है कि कोई भी चाहेगा कि जल्दी नौकरी मिल पाए। बीच बीच में अफवाह सुनने को मिलती है कि 374 पदों में से 162 प्रत्याशी हरियाणा के पास हो गए, इसलिए गड़बड़ी की आशंका जताई गई। ये मनोहर लाल खट्टर को भी फोन करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को। अनुराग का कहना है कि अगर धांधली हुई तो उसे साफ साफ क्यों नहीं बता देते, दोबारा परीक्षा क्यों नहीं ले रहे, और परीक्षा केंद्रों पर मौजूद नियंत्रक उस वक्त क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये सब कहीं कुछ नहीं होता। अनुराग द्वारी ने पोस्टमास्टर जनरल आलोक शर्मा से बात करने की कोशिश की, मगर वो कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। उनसे जो बात हुई अनुराग द्वारी ने हमें यूं बताई। 87 नंबर आए हैं वैसे नितेश को 100 में से, और आप देख सकते हैं थोड़ी आंखों की रोशनी भी कम है, और रिजर्व कैटेगरी में भी आते हैं। बावजूद इसके अभी तक जब भी आप यहाँ आते हैं आपको क्या जवाब दिया जाता है? ये कहते हैं कि जाँच चल रही है। किस चीज की जाँच चल रही है सर? ये तो आप डिपार्टमेंट से ही पूछिए, बस यही कहते हैं कि जांच चल रही है, कि जब भी फैसला आएगा आपको बता दिया जाएगा। वो उसमें 3 साल लगे या 4 साल लगे या 10 साल लगे। नितेश, ये तो बड़ा बेजा सवाल है ये पूछना कि इस दौरान आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि एक नौकरी जो हाथ में आ गई, वैसे ही इतनी मुश्किल होती है, ये 1.5 साल का अरसा कैसे गुजार रहे थे? सर मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि अब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो वैसी कंडीशन आप देखी जाए आपने मेरी, और ऊपर से इतनी मुश्किल से सेंट्रल जॉब मैंने जो ली अपनी मेहनत से 87 नंबर लाकर, तो ये मेरा हक है सर, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, ना कि भीख मांग रहा हूँ गवर्नमेंट से। मैंने पेपर फाइट किया, पेपर निकाला है, तो मुझे तो उनको मुझे देना चाहिए। ये उन्होंने कुछ बताया नहीं कि जब एक बार परीक्षा हो गई, आप चयनित हो गए, आपको सत्यापन के लिए बुला लिया गया। जाँच कर रहे हैं अब, जाँच किस तरह की, जाँच कैसी, जाँच पता नहीं उनको, किसी पे शक है कि एग्ज़ाम में कुछ हुआ है तो अच्छी अच्छा। जांच कर रहे हैं सर, अब हमें तो मालूम नहीं है सर इसमें क्या हुआ है क्या अच्छा। नहीं हुआ। 374 बच्चों की दिक्कत लेकर हम इस डाक भवन में जो चीफ पोस्टमास्टर जनरल हैं आलोक शर्मा, उनसे मिलने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने ये कहलवाया कि वो किसी VC में व्यस्त हैं, और जब हमने जोर दिया कि खबर तो जाएगी और हमें उनसे मिलना ज़रूरी है, भले ही 2 मिनट का वो वक्त दें,
तो उन्होंने इन कागजातों को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रहा है इन बच्चों के बारे में जानने की। जब हमने पूछा कि लगभग 1.5 साल हो गए हैं, कोई मियाद है, तो उन्होंने सिर्फ तल्ख लफ्ज़ों में इतना कहा कि नहीं, कोई मियाद नहीं है, बस इतनी सी बात। लेकिन 1.5 साल हो गए हैं लगभग, और ये 374 बच्चे, इनके भविष्य का क्या होगा? चूँकि इनको नियुक्ति पत्र मिल गए थे, उसके बाद इन्हें क्यों दोबारा बुलाया गया अन्वेषण और तमाम चीज़ों के लिए, इसके लिए कोई पुख्ता तौर पर इस डाक भवन में यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अगर हमारे नौजवानों की राजनीतिक चेतना तीसरे दर्जे की ना होती, मतलब भावुक मुद्दों में ना भटकते, तो किसी नेता और अफसर की हिम्मत ना होती कि वो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को अक्रॉस स्टेट पूरे भारत भर में परेशान कर देते। लेकिन परेशानियों का आलम है कि आप किस किस राज्य और कितनी नौकरियों की दास्तान सुनाएंगे। हमें कुछ दर्शक ये भी मैसेज करते हैं कि जब भी नौकरी सीरीज करता हूँ प्राइम टाइम गायब हो जाता है रात को 9 बजे। तो अगर ऐसा है तो ये जो हमारा प्राइम नौकरी सीरीज है या प्राइम टाइम है, वो खबर.in के वेबसाइट पर है, NDTV.in के, वहाँ से लेकर आप करोड़ों बेरोजगारों के बीच पहुँचा दीजिए कि नौकरी की जब बात होती है तो कोई केबल वाला ऑफ कर देता है। हर राज्य में सरकारी परीक्षाओं का यही हाल है। क्या आप नौजवान एक ईमानदार और बेहतर परीक्षा व्यवस्था डिजर्व नहीं करते हैं तो फिर आप क्या डिजर्व करते हैं? क्या आप आलू और पकौड़ा डिजर्व करते हैं? फॉर्म निकलते हैं मगर परीक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कोई भी राज्य लीजिए, छात्रों की अपनी फाइल मोटी होती चली जा रही है, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और कोई उनके सुनने वाला नहीं है।